याद है तुम्हें वो दिन जब शादी से पहले तुम मुझसे मिलने के लिए कैसे कैसे बहाने बना के आया करते थे? सुबह सुबह 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे तुम आगरा आने के लिए। पहले 30 किलोमीटर गुड़गांव से स्पीड में बाइक चलाकर पहले हजरत निजामुद्दीन आते थे। बहुत हसीन दिन थे ना वो, एकदम जबरदस्त। हाँ यार सब याद है मुझे। अच्छा तुम्हें वो याद है? अच्छा मैं सोच रहा हूँ 2-4 ना गधे खरीद लेता हूँ। गधे? गधे क्या? अब ना मुझे तुम्हारी यादों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सुनो ये लो जहर। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? जहर दे रही हूँ मुझे? वो मुझे सूट के लिए पैसे चाहिए थे। अरे यार अभी तो जहर खाने के लिए पैसे। ओहो कहाँ जा रही है मेरी रसमलाई? मार्केट जा रही हूँ मेरे काले गुलाब जामुन। गजब बेइज्जती। इंस्टाग्राम पे साली वीडियो बना रही है, जीजा तू काला मैं गोरी घनी। मैं ना बना सकूं, रीजन बस ये है कि मेरे जीजा मुझे बहुत गोरे हैं। फिल्टर भी लगा लो तो कोई फर्क नहीं। मेरे घर वाले मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला। अब मिल भी गया है। अब वो अच्छा खासा दहेज भी मांग रहा है। मेरे घर वाले कह रहे दहेज ज्यादा। अब तुम सोचो तुम्हारी बेटी 12वीं कैसे करके पास हुई है और वो सरकारी नौकरी वाला है। सोचो कितना पढ़ाई किया होगा उसने। दहेज तो बनता भाई, मैं सपोर्ट करती हूँ इस चीज का। इतना पढ़ाई किया है बेचारा तो इतना तो बनता है ना दहेज तो। मैं बाबू तुम्हें मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ, तुम्हें तो चाहिए दहेज। अगर तुम लोग दहेज नहीं दे सकते तो मेरे लेवल का खोजो, एकदम मुंह फट चंट टाइप का, जिसकी हरकतें भी गंदी हो मुंह ऑलरेडी गंदा हो, वो खोजो। मांग ले दहेज तो बताना, नहीं मांगेगा ऐसा देख के ही खुश हो जाएगा। 36 के 36 गुड़ मिलेंगे। अब मैं बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ गंवार वो सरकारी नौकरी वाला मैं दिलाऊंगी भाई तुम्हारे लिए आवाज, मैं खुद उठाऊंगी तुम्हें दहेज मिलना चाहिए। अपने बेटी के हिसाब से भाई लड़का खोजो, ठीक है? तो ऐसे ताकि ऐसे अच्छा लगे रिश्ता देखने में। वो इतना पढ़ा लिखा, तुम उसके पीछे गमार चिपका दे रहे हो। वो झेलने के पैसे ले रहा है, तुम खुद दे रहे हो। तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी बेटी फ्री में कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसकी हरकतें जैसी है तुम खुद नहीं झेल पा रहे हो, तो वो कैसे झेलेगा? और मुझे यकीन है ये दहेज लेने के बाद भी कुछ सालों में एक्स्ट्रा पैसा दे के वापस करके जाएगा। हाँ नहीं तो बाकी तो तुम भी कोई बिजनेस शुरू करो। कौन मैं? और बिजनेस? मेरे खानदान में आधे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और आधे उनकी वेतन पे जी रहे हैं।